आफत की चेतावनी, भारी बारिश का जारी किया गया रेड अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट। पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में येलो अलर्ट। गंगोत्री हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद। देहरादून के साथ साथ अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना। इसके अलावा प्रशासन ने सतर्क रहने की चेतावनी तक दी है। तो भारी बारिश को लेकर के अलर्ट, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट रहने वाला है। तो पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले जहां पर रेड अलर्ट भी है। गंगोत्री हाईवे की बात करें तो भारी वाहनों की आवाजाही बंद है। तो देहरादून की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन ने सतर्क रहने की चेतावनी दी है और लगातार जिस तरीके से बारिश जारी है, जो भयावह मंजर लगातार देखने को मिल रहा है, भारी जो पत्थर है वो गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। मुमताज हमारे साथ उधम सिंह नगर से और चमोली से हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे। मुमताज, देखिए अगर उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां पर किस तरीके की चेतावनी दी गई है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है जो कि प्रकोप भी लोगों के लिए बन रही है। बात की जाए तो उधम सिंह नगर जो है पूरी तरीके से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट पर रखा है और रेड अलर्ट के चलते प्रशासन भी काफी एक्टिव मोड पर है। अभी आपको बताते चले कि पिछले जो विगत दिनों जो बरसात आई थी उसके बाद जो है उधम सिंह नगर जनपद में पूरी तरीके से जो है बाढ़ के तस्वीरें सामने आई थी, जिसको लेकर प्रशासन जो है कहीं ना कहीं एक्टिव है और वो प्रशासन भी ये चाहता है कि पहले वाली जो तस्वीर जो है वो इस बार ना दोहराए। फिलहाल जो है डीएम ने जो है उधम सिंह नगर रेड अलर्ट होने के चलते उधम सिंह नगर जनपद में जो है आज की अवकाश घोषित कर दिया है। जी बिल्कुल मुमताज, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरेंद्र का मैं रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन का अलर्ट। उधम सिंह नगर और नैनीताल में आज स्कूल बंद। कक्षा एक से लेकर बारहवीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। बागेश्वर की बात करें तो बारिश के अलर्ट पर स्कूल बंद किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए। आपदा को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तो हमारे साथ सुरेंद्र भी लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, देखिए तमाम चेतावनी जारी की जा रही है, अलर्ट पर अलर्ट यहां पर मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, साथ ही साथ चेतावनी दी जा रही है, जो स्कूल्स है वो भी बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है और आगे इंतजामों को लेकर के किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? जो बारिश के सीजन में इस दौरान लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से हर तहसील और थानों में भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और चमोली की अगर बात करें तो अलकनंदा, पिंडर, नंदाकिनी, कई नदियों का जो बहाव क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, वो चमोली में है। तो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के भी पुलिस की ओर से बार बार अनाउंस और अलर्ट किया जाता है। जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि जहाँ पे जो संवेदनशील जो जगह है उन जगहों पे किस तरह से रहने, वही बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी लगातार संचालित हो रही है। लेकिन जो पागल नाला है, पाताल गंगा है, कई जगहों पे बोल्डर आने से बार बार सड़कें बंद हो जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग एक दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं, तो कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त इस बरसात के मौसम में हो जाता है। लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि जहाँ पे भी सड़कें बंद है उन जगहों के संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है और जैसे जैसे सड़कों पर मलबा आता है उन जगहों पे अतिरिक्त जो बद्रीनाथ अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है यात्रियों की और जो राहगीर हैं उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, वापस से मुमताज का मैं रुख करना चाहूंगी। मुमताज, देखिए जिस तरीके से लगातार यहां पर निर्देश सामने आ रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है, अगर स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल की स्थिति वहां पर नजर जो आ रही है उसके हिसाब से प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी बरत रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा डीएम जो उधम सिंह नगर उधर आज सिंह है उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि जो एसडीएम है, एडीएम है या तहसीलदार है या फिर जो राजस्व पटवारी है उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा और जो उनकी छुट्टियां थी वो पूरी तरीके से कैंसिल दी गई हैं और अलर्ट मोड पर पूरी तरीके से रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पिछली बार की स्थिति हुई थी वो दोहराई ना जाए और कुछ ना कुछ जो है ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो और जो नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं उनको जो है लगातार जो है उनको गाइडेंस किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि जो है आप सुरक्षित स्थानों पर रहें क्योंकि पहाड़ पर लगातार जो है अगर बात आज से की जाए तो पहाड़ पर जो है बरसात आरंभ हो चुकी है
और जो है मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बरसात जो है अपना शुरुआत कर चुकी है, जिसके चलते नदियों का, जाहिर सी बात है कि नदियों का जलस्तर जो है बढ़ेगा, और निश्चित तौर से जो है नदियों का जब जलस्तर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो है पानी अत्यधिक होने के चलते जो है बाढ़ की स्थिति पैदा होगी, और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जो है डीएम जो है काफी अलर्ट मोड पर और लगातार जो है वो अधीनस्थों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल मुमताज, और आपने तमाम जानकारी साझा की किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और सुरेंद्र आपका भी बढ़ेंगे।